हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और सब लोग जो अब पीसीएस का पेपर सब जानते हैं कि सितंबर की पीसीएस की आपकी प्रीलिम्स की डेट निकली है, तो पीसीएस के लिए सब लोग जोर लगा रहे होंगे। बहुत हो गया है लॉकडाउन वाला समय आपका, अब टाइम पास का टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं बचा है। और बिल्कुल भी आप लोग ये एज्यूम करके मत चलिएगा, कुछ लोग ये एज्यूम कर रहे होंगे कि पेपर तो भैया पोस्टपोन हो जाएगा तो हम क्यों प्रिपेयर करें। ठीक है, पेपर ने तो पोस्टपोन होना ही है, तो ये वाली सारी एजम्पशंस आपने नहीं रखनी है। क्योंकि अगर पेपर हो गया तो फिर आप ये एग्जामिनर को नहीं बोलोगे कि भैया मैं तो एजम्पशन करके चल रहा था कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा इसीलिए मैंने तैयारी नहीं की। तो आपने तैयारी अपनी पूरी अच्छे से करनी है। अब पीसीएस का जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसमें एक अगर आप सिलेबस को गो थ्रू कर चुके हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पॉइंट लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड अबाउट पंजाब, जनरल स्टडीज ऑफ पंजाब, जिसमें सारा एरिया आ जाता है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी वजह से हम आपको यहाँ पर पंजाब से रिलेटेड जो है सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो ये आपका अबाउट पंजाब की एक सीरीज़ रहेगी जिसमें हम पार्ट वन अभी देख रहे हैं। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी ताकि आप इजीली इसको कवर कर सकें और इजीली रिवीजन में भी आप काम कर सकें। जो भी हम आपको वीडियो में कराएंगे उसके आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले पंजाब से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको पता होगा कि पंजाब जो है, पंजाब स्टेट का विभाजन हुआ था, पंजाब जो प्रोविंस होता था। ठीक है, पहले पंजाब प्रोविंस में आपका हरियाणा और हरियाणा प्लस हिमाचल प्लस पंजाब जो है, ये तीनों मिलकर के पंजाब प्रोविंस बनाते थे। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब जो प्रोविंस थी उसका विभाजन कर दिया गया, और विभाजन करके एक हरियाणा स्टेट बनाई गई और एक हिस्सा जो है हिमाचल बनाया गया, जिसको पहले यूनियन टेरिटरी और बाद में स्टेट का दर्जा दिया गया, और एक आपका स्टेट जो प्रेजेंट डे पंजाब है वो निकल कर आया। ठीक है, ये जो विभाजन किया गया था, ये जो स्टेट्स बनाई गई थी, पंजाब को तोड़ करके तीन स्टेट्स बनाई गई थी, ये बनाई गई थी शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, शाह कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप जो है स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दीजिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड कर दीजिए। तो जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे उनको हरियाणा में डाला गया, और जो पंजाबी स्पीकिंग लोग थे उनको पंजाब स्टेट के यहाँ पर उसको रखा गया। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, इस दिन को हरियाणा में एज अ हरियाणा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल जो है आपकी पंजाब की, वो है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस निकल कर आती है, क्योंकि चंडीगढ़ आपकी दो स्टेट्स की कैपिटल है। चंडीगढ़ एक लौती ऐसी जगह है जो दो स्टेट्स की कैपिटल है। हालांकि 2014 में जब आपका आंध्र प्रदेश अलग होकर तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया था, उस समय भी हैदराबाद दो स्टेट्स की कैपिटल बनकर उसने एक्ट किया, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए है। ठीक है, आंध्र प्रदेश अपनी नई कैपिटल डेवलप कर रहा है, और जल्दी वो नई कैपिटल डेवलप होके वो हैदराबाद से अपनी सारी चीज़ें शिफ्ट कर लेगा। लेकिन चंडीगढ़, आप देखो जब से हरियाणा और पंजाब बने हैं तब से चंडीगढ़ जो है इन दोनों स्टेट्स की कैपिटल एज अ कैपिटल एक्ट कर रहा है। और चंडीगढ़ की एक खास बात और है कि इट इज़ द यूटी। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी भी है, यानी कि यहाँ पर जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ का भी ये मैप ध्यान से देखो, तो ये सारा जो आपको मैप दिख रहा है ये चंडीगढ़ का दिख रहा है। तो अगर आप देखो तीन साइडों से, तो ये चंडीगढ़ को पंजाब ने घेरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ साइड से, वेस्ट साइड से, ठीक है, और साउथ साइड से भी आप जो है पंजाब ने चंडीगढ़ को सराउंड किया हुआ है। और जो ईस्टर्न साइड है या साउथ ईस्टर्न साइड है, वहाँ से इसको कवर करता है हरियाणा। ठीक है, तो ये भी आपसे अब सवाल में पूछा जा सकता है कि भैया चंडीगढ़ जो है इसको वेस्टर्न साइड पे कौन कवर करता है या ईस्टर्न साइड पे कौन कवर करता है। तो आप कह दोगे कि वेस्टर्न साइड पे पंजाब कवर करता है और ईस्टर्न साइड पे हरियाणा कवर करता है। इनफैक्ट इस तरह के पॉइंट्स जब आप प्रीलिम्स के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तब इस तरह के सवाल उस समय भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने जो है बेसिक एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करके रख लेनी है। ठीक है, अब जो ये चंडीगढ़ की जो टेरिटरी है, आप देखो हरियाणा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्ट से हरियाणा कवर करता है इसको, और वेस्ट से बाकी की जितनी भी साइड्स हैं, चाहे वो वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वहाँ से आपका पंजाब आ जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सिचुएटेड है, और ये दो सीजनल जो हिल
रिवर्स होती हैं उनके बीच में आता है, और वो दो रिवर्स हैं आपकी सुखना और पटियाली रिवर। ठीक है, तो ये भी अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बन जाते हैं, क्योंकि पीसीएस में आप सब जानते हैं, अगर आपने पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स देख लिए हैं, जिनके वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर भी हैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। ठीक है, चलिए अब चंडीगढ़ नाम की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ नाम कैसे पड़ा? तो चंडीगढ़ जो है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सिटी है, तो चंडीगढ़ का नाम पड़ा, यहाँ पर एक गॉडेस चंडी का टेम्पल है जिसको चंडी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं से चंडीगढ़ नाम निकल कर आया। ठीक है, और ये जो टेम्पल है इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस काली। ठीक है, चंडी जिनको कहा जाता है, और ये मनी माजरा टाउन में आपका जो है टेम्पल सिचुएटेड है। अगर हम एरिया की बात करें तो चंडीगढ़ का एरिया अराउंड 44 स्क्वायर माइल्स है, यानी कि 114 स्क्वायर किलोमीटर। अगेन अ वेरी फैक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम फ्रॉम हेयर। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भैया यूनियन टेरिटरी का एरिया कितना है। अगर प्री में नहीं पूछेगा तो इंटरव्यू के लिए भी बन सकता है, क्योंकि ये सारी जनरलाइज्ड सी इंफॉर्मेशन है, क्यों जो आप जब आप पीसीएस का एग्जाम देने जाते हो एक्सपेक्टेड करता है एग्जामिनर कि आपको ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स इस एरिया के बारे में पता होंगे। अब बात करते हैं सिटी के डिजाइन की। तो सिटी को डिजाइन किसने किया? तो ये जो सिटी है आपकी चंडीगढ़ जो सिटी है, इसको डिजाइन किया है एक स्विस बॉर्न आर्किटेक्ट ने, ले कबॉजियर ने। ठीक है, अब आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए ये भी इनकी नेशनैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पीसीएस के एग्जाम देखें तो वो सीधा सीधा आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्किटेक्ट ले कॉर्बूज़िए वाज अ, ऑप्शन ए ही वाज अ स्विस, ऑप्शन बी में कह देगा ही वॉज फ्रॉम यूके, ऑप्शन सी में कह देगा ही वॉज एन अमेरिकन। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा, ही वॉज अ डच, इस तरह के ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपने क्या कहना है कि नो ही वॉज अ स्विस, तो आपका आंसर वहां पर स्विस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये भाई साहब जो थे ये इसके मेन आर्किटेक्ट थे, और इनको असिस्ट करने वाले जो लोग थे मैक्सवेल फ्राई, जेन ड्र्यू और कुछ इंडियन आर्किटेक्ट्स ने भी इनको यहाँ पर सपोर्ट किया। अब जो ये कंस्ट्रक्शन है इसकी शुरू हुई 1950s में, अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 1952 में आपकी चंडीगढ़ सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और ज़्यादातर जो सिटी है वो कंप्लीट हो चुकी थी अर्ली 1960s तक आते आते। उसके बाद अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, जब पंजाब रीऑर्गेनाइज हो गया, यानी कि 1 नवंबर 1966 के बाद, ठीक है, 1 नवंबर 1966 के बाद चंडीगढ़ का क्या सिस्टम रहा? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, और पंजाब को तीन हिस्सों में बांट दिया गया, एक हरियाणा स्टेट बना, एक हिमाचल प्रदेश स्टेट बना, और एक जो बचा हिस्सा रहा वो पंजाब के पास रह गया। ठीक है, तो ये तीन स्टेट्स आपकी निकल कर आई शाह कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर। अब चंडीगढ़ का क्या, क्योंकि 1952 में जब चंडीगढ़ की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तब से चंडीगढ़ वॉज एक्टिंग एज द कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, जो कंबाइंड पंजाब था, हरियाणा हिमाचल को मिलाकर के जो पंजाब था उसकी कैपिटल था चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का क्या स्टेटस हुआ, तो 1 नवंबर 1966 के बाद चंडीगढ़ जो है इसने एज्यूम की एज अ डिस्टिंक्शन ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब, और एज वेल एज इसको यूटी डिक्लेयर कर दिया गया। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें यह लिखा गया कि देखो चंडीगढ़ जो है, अब क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है, अब हर स्टेट के कुछ अपने कानून होते हैं, तो अब ये एक विपदा उठ गई, ये एक संकट निकल कर आ गया कि जो चंडीगढ़ है उसमें अब पंजाब के कानून लगेंगे या हरियाणा के कानून लगेंगे। तो ये कहा गया कि देखो ऐसा है, चंडीगढ़ में जो कानून लगेंगे वो लगेंगे यूनियन टेरिटरी के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन 1966 से पहले, 1966 से पहले जो भी लॉज पंजाब ने बनाए हैं और जो चंडीगढ़ पे लागू हैं वो लागू रहेंगे। ठीक है, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या कह दिया कि जो भी लॉज विच वर इन फोर्स इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ पंजाब, अर्स्टवाइल यानी कि 1 नवंबर 1966 से पहले, विल बी कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ चंडीगढ़, वो लागू चंडीगढ़ के ऊपर रहेंगे। ठीक है, अब चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसको दिया गया, चीफ कमिश्नर को। एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था, जैसे आजकल आपके गवर्नर होते हैं उस समय चीफ कमिश्नर हुआ करता था, चीफ कमिश्नर को काम दिया गया टू हेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंडीगढ़, और ये चीफ कमिश्नर जो है ये हेड करते थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को टिल 1 जून 1984।
और मोहन सिंह रंधावा जो थे ये आपके पहले चीफ कमिश्नर बने, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। मोहन सिंह रंधावा जो 1 नवंबर 1966 को आपके पहले चीफ कमिश्नर बने। अब ये जो प्रैक्टिस थी चीफ कमिश्नर वाली, चंडीगढ़ के चीफ कमिश्नर वाली, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1 जून 1984 से। और 1984 में ये कहा गया कि जो पंजाब का गवर्नर होगा ना वो ही जो है चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालेगा, ठीक है। यानी कि जो पंजाब के लिए गवर्नर अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वही गवर्नर जो होगा वही चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी हैंडल करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अगर देखें 1 जून 1984 को जो पहला गवर्नर बना चंडीगढ़ का वो थे भैरव दत्त पांडे, ठीक है। तो ये एक दो अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ कर सकता है। अगर वो आपसे पहला चीफ कमिश्नर पूछे चंडीगढ़ का तो आप कहोगे मोहन सिंह रंधावा, लेकिन अगर आपसे वो पहला गवर्नर पूछे चंडीगढ़ का तो आप मोहन सिंह रंधावा नहीं कहोगे, तो आप कहोगे भैरव दत्त पांडे। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करता है, पर आपने उनको बिल्कुल भी खेलने की जो है फ्रीडम देनी नहीं है, ओके। तो चंडीगढ़ के बारे में यहाँ पर आपको पॉइंट्स कुछ क्लियर हो गए, आगे देखते हैं। अब 1986 में पंजाब अकॉर्ड हुआ। अब ये पंजाब अकॉर्ड जो था इसको भी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट मैं सिर्फ आपके साथ चंडीगढ़ पे क्या इम्पैक्ट था वो डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस 1986 के पंजाब अकॉर्ड में क्या कहा गया कि जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ की, जो पूरा चंडीगढ़ है वो पंजाब का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा साइन किया गया। और ये अकॉर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट तीनों ने मिलके साइन किया था। तो इस अकॉर्ड में, इस एग्रीमेंट में ये बोल दिया कि चंडीगढ़ पूरे का पूरा पंजाब के पास जो है चला जाएगा, और चंडीगढ़ के एक्सचेंज में, अब हरियाणा ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा वाले चुपचाप कह देंगे कि हाँ चंडीगढ़ पंजाब को दे दो, तो हरियाणा को क्या कहा गया कि भैया चंडीगढ़ की जगह हम तुम्हें दो राज्य जहाँ पर ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, और वो दो राज्य थे फजिलका और अबोहर जो पंजाब में है, ये दो राज्य, और ये दो राज्य एग्रीकल्चरली भी काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। तो हरियाणा को लालच दिया गया कि देखो एक तो तुम्हें एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव जगह दे रहे हैं और हिंदी स्पीकिंग एरियाज दे रहे हैं, तो फजिलका और अबोहर हम तुम्हें दे देंगे चंडीगढ़ के बदले, ठीक है। और ये करा जाना था बाय द अर्ली 21st सेंचुरी, यानी कि 2000 तक ये किया जाना था, लेकिन ये प्लान अभी तक जो है सक्सेसफुल, फ्रूटफुल नहीं हुआ है। तो पंजाब अकॉर्ड में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चंडीगढ़ के बदले में हरियाणा को कौन से दो राज्य, कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट्स देने की बात की गई थी, तो आप कह दोगे कि फजिलका और अबोहर देने की बात की गई थी। अगेन फैक्ट्स हैं, आपको याद अगर आप कर लोगे तो एग्जाम में आपको एक एज यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए ओके, क्रिएशन हमने देख लिया, कैपिटल के बारे में हमने पढ़ लिया, अब बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें यानी कि बॉर्डर, ठीक है, तो दो तरह के बॉर्डर होते हैं। एक होता है जो कोई भी स्टेट किसी दूसरे देश के साथ शेयर करती है, और दूसरा होता है कोई भी स्टेट जो बाकी की स्टेट्स के साथ शेयर करती है अपने ही देश की। तो अगर हम दूसरे देश की बात करें तो पंजाब जो है आपका लगता है पाकिस्तान को, सिर्फ एक ही जो है दूसरा देश है जो पंजाब को छूता है वो है पाकिस्तान, ठीक है। तो अब मैं आपको जरा एक बार मैप यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान के साथ ये सारी बाउंड्री जो है आपकी लग रही है। अब एग्जाम में आपसे सवाल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाती है, पंजाब की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। सबसे पहले आ जाती है पठानकोट, उसके बाद आ जाती है आपकी गुरदासपुर नंबर दो पे, तीसरे नंबर पर आ जाती है अमृतसर, अमृतसर तो आप सब जानती हैं बाघा बॉर्डर के लिए काफ़ी फेमस है, चौथे नंबर पर आ जाती है आपकी तरन तरन, पाँचवें नंबर पर आ जाता है आपका फिरोजपुर, छठे नंबर पर आ जाएगा आपका फजिलका, ठीक है। तो टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लग रहा है, पंजाब की टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी, अगर मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाऊं एमसीक्यू फॉर्म में, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल में आपको ऑप्शन दे देंगे 2 डिस्ट्रिक्ट्स 4 डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपने जो है तैयार रहना, तो पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है और 6 डिस्ट्रिक्ट्स टच कर रही है, कौन सी पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तरन, फिरोजपुर और फजिलका। और आप इसको इसी ऑर्डर में जो है याद करें ताकि अगर नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नॉर्थ टू साउथ इन डिस्ट्रिक्ट्स को लगाओ या साउथ टू नॉर्थ इन डिस्ट्रिक्ट्स को लगाओ, तो आप उसका आंसर भी ईजिली
कर सकें। ऑल राइट, चलिए अब ये हो गई दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर। अब बात करते हैं नेशनल बॉर्डर की कि पंजाब जो है वो कौन सी स्टेट्स को छूता है। तो देखें कौन सी स्टेट्स को छूता है। सबसे पहले छूएगा जम्मू एंड कश्मीर को नॉर्थ में, नंबर एक। नंबर दो पर आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। नंबर तीन पर आ जाता है आपका हरियाणा। और नंबर चार पर आ जाता है आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये चार स्टेट्स होगी। इसके अलावा कौन सी स्टेट्स हैं, देखिए जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। तो चार स्टेट्स हैं। सिमिलरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेट्स जो हैं पंजाब के साथ बॉर्डर फॉर्म करती हैं, आप कह सकते हैं चार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाऊं, एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म अ बॉर्डर विथ पंजाब। इनमें से कौन सी स्टेट पंजाब के साथ बॉर्डर नहीं बनाती। ए में मैं कह दूंगा आपको यूपी, बी में कह दूंगा जे एंड के, सी में मैं आपको कह दूंगा राजस्थान, और डी में मैं आपको कह दूंगा हरियाणा। तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट नाउ, ये यूटी में आएगा। तो अगर सिर्फ आपसे स्टेट पूछा जाए तो आपका आंसर तीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी भी बॉर्डर फॉर्म करती है, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तो यूपी ही रहेगा। पर अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि कितनी स्टेट्स बॉर्डर फॉर्म करती हैं, तो चार नहीं कहोगे, उसका आंसर तीन कहोगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट नाउ नो मोर अ स्टेट, ठीक है, ये अब एक स्टेट नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाकी के पंजाब के बारे में पार्ट टू में पढ़ेंगे और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे पंजाब से रिलेटेड। तो सो स्टे ट्यून्ड, पीसीएस की तैयारी पूरी आपको जोरों शोरों से कराएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी तो आपके मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आई होप आपको पढ़कर यहाँ पर मज़ा आया होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड कीप योरसेल्फ हेल्दी।